ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। और आज है आप मैरीलैंड के एक अनदर सिटी में। तो ये जो शहर मैं आपको आज लेकर आया हूँ घुमाने, बहुत ही पुराना है, बहुत ही अच्छा एरिया है। और इसको बोल ये इसका नाम है बेल एयर। सो ये बेल एयर में है हम इस वक्त। तो यहाँ की कुछ आपको पॉइंट घुमाने की हमारी कोशिश है। यहाँ पर एक अच्छा सा आपको विज़िट देते हैं, क्या क्या यहाँ का फेमस है। और बहुत ही छोटा सा टाउन है ये, बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है। और चलिए घूमते हैं, इसके अपना एक अलग मज़ा है, आपको दिखेगा। और डिफरेंट स्टाइल का शहर है। सो लास्ट तक देखिए ये वीडियो, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, एंड आई होप यू विल इन्जॉय इट। सो यहाँ पर देखिए पार्किंग का सिस्टम भी अलग है। यूजुअली क्या होता है कि पार्किंग यहाँ पर सिर्फ संडे फ्री होती है, लेकिन बेल एयर में वीकेंड्स यहाँ पर लिखा है पार्किंग फ्री है। तो आज सैटरडे के दिन भी यहाँ पर पार्किंग फ्री है। तो हमारा इसमें थोड़ा सा टेंशन चली गई कि पार्किंग का अदरवाइज रहता है, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया। सो अभी हम फ्रीली घूम सकते हैं। सो लेट्स गो। सामने आप देख रहे हैं बेल एयर बिजनेस सेंटर। सो यहाँ पर ये छोटे छोटे मार्केट जो है ना, यहाँ पर भी शहर के थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के हैं। मॉल टाइप यहाँ थोड़ा सा है, लेकिन कम है, लेकिन ऐसे मॉल सेपरेट है, लेकिन ऐसे सिटी के अंदर ये छोटे छोटे जैसे शॉप्स होते हैं, वो गैलरीज वो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, विच इज़ ऑसम। बुटीक बहुत है, राइट? यूजुअली इतनी लोकल शॉप्स दिखती नहीं है। हाँ, ये अमेरिका के सबसे पुराने बसे हुए टाउन में से एक है दोस्तों। और इसकी पॉपुलेशन 1780 में जब ये बसा था उस टाइम पर सिर्फ 200 थी, आज इसकी पॉपुलेशन 10,000 पहुंच चुकी है। तो गाइज ये है बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग है, ये है बेल एयर आर्मरी, हिस्टोरिक साइट एंड इवेंट वेन्यू। फ्रेंड्स आप ये तीन फ्लैग्स देख रहे हैं, इसमें पहला फ्लैग जो है वो मैरीलैंड स्टेट का है, सेंटर वाला यूएसए का है, एंड जो थर्ड है वो टाउन का है बेल एयर का, ग्रीन एंड वाइट जो है। यहाँ पर हर सिटी का भी और टाउन का एक फ्लैग होता है। एंड फ्रेंड्स आप ये जो आप बोर्ड पर नाम लिखे देख रहे हैं, ये नाम उन लोगों के हैं इस टाउन से थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेक्रीफाइस किया है, वो यहाँ से लड़ने गए थे। सो आप इस बोर्ड पर जो देख रहे हैं उनमें उन सभी का टाइटल लिखा है, उनका पूरा नाम लिखा है, और जिस डेट पर उनकी डेथ हुई थी वो लिखी है। सो उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। तो ये हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, इसमें एक खूबसूरत सा पार्क है। हे अलीजा, सो ये पार्क से एकदम शुरुआत हो रही है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत एंट्री है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साइड में थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी है। यो Write down on a piece of paper. Okay, so you have to look at everything. But there's so many good looking things in there. The Eiffel Tower, very good. What they're calling incubator spaces. There are startup businesses that the town is helping them grow their business to move them out to Main Street eventually, is the hope. Except for us, we're permanent. We call it an art walk. So this particular painting is at the very end of this row of buildings. It's right on the wall there. Huh? So yeah, hang on to that, just cause. Thank you. How are you today? करें कि इसको ज़रा अच्छे से कवर करें, आप लोगों को दिखाएं। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इस अमेरिका दर्शन फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें से भी कुछ लोग जो है आर्टिस्ट हैं। आई होप कि दे रियली विल लाइक इट। दिस पेंटिंग इज जस्ट लाइक मायशा एंड एलिजा होल्डिंग देयर हैंड एंड वॉकिंग, राइट? या इनके प्राइस भी यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि एक पेंटिंग इज $45 यहाँ पर। Back up, and we have them for all ages. So we would love to have you keep an eye out on our website. Yes. So for when we next have them, we'd love to have you come in and play. Would you like to come, Aisha? Yes. Yes. Wonderful. Yes. So, are you ready to vote now? Are you ready to vote? Yes. Okay. You figured it out? Okay. So take a slip. I'm trying not to touch things for you. And a pen, and you can keep the pen or put it to the side when you're done. Okay. Mom and Dad get one yes. too. I will go. I will help you. I will help yeah, there you Masha, go. You know this. It's joyful, right? You can Good. Go yeah. there and see the artist's name there. But wait, can I see mine? Yes, of course. Yes. Okay. Yours is behind them. Not that big of a dollar, but you can't get lost. Okay. Okay, yeah. And Maisha, where is yours? Oh, mine is here. So I need to copy all these words. Yeah, which one? That one up top. This one? Preset? Yeah. So you have to write this. This is Maisha's favorite. Have you written Maisha? Thank you. And very nice. Very good. Thank you so much. And she also loves to paint actually. There you go. See? Me too. You know, see that's... Do you make bracelet? Have you made jewelry at home? Yeah. Because so, I need jewelry also. Oh, very nice. My profession, I'm a scientist. But you gotta have a creative outlet. I got I'm an artist. There you go. सुजन वो दिखा रही थी हम लोगों को जो पेपर पे था दिस इज द वॉल आर्ट तो देखिए पूरी ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर एकदम आर्ट का ऐसा फ्लेवर है एकदम ये देखो बहुत ही खूबसूरत बनाया है तो दोस्तों इस खूबसूरत ब्लॉग में हमने आपको मैरीलैंड का एक छोटा सा टाउन जिसे बेलियर कहते हैं वो दिखाया जो हार्फर्ड काउंटी के अंदर आता है एंड दिस इज़ फुल ऑफ लाइक आर्ट वाला बहुत ही यहाँ आपको देखने में जो हमने घुमाया उससे पता चल गया होगा कि लोगों को यहाँ आर्ट बहुत पसंद है तो आई होप को आपको ये जो अमेरिका दर्शन का आजकल मिशन चल रहा है आपको अमेरिका का दर्शन कराने का वो अच्छा लग रहा होगा बाकी ब्लॉग भी आप लोग खूब लाइक कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ जो लोग देखते हैं एटलीस्ट वो तो लाइक करके जाते हैं बट आई वुड से यार कि तुम लोग खूब शेयर भी करते रहो उसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को मिले एंड आई होप कि ये ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा सो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर करना
नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।